मैं तुमसे ये मंगी खत्म करती हूँ। मौका मिस कर दिया ना तो सारी जिंदगी बच जाएंगे। इससे पहले कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो, मैं तुमसे ये मंगी खत्म कर। नहीं, आप खुश रह सकेंगे और ना ही सबा। आज मुझे पता होता कि तुम साथ निभाने वालों में से नहीं। अगर वो लड़का तुम्हारे काबिल होता, खुद तुम्हारी शादी उससे कराता। स्टेटस की परवाह किए बगैर खुद तुम्हारी शादी उससे कराता। एक तरफ अलीना और राहिल का रिश्ता तय होता है, वही शौकत अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो रुबाब का रिश्ता सिकंदर से करवाना चाहता है। ये सुनकर जहां सिकंदर खुश होता है, लेकिन रुबाब किसी भी सूरत इस रिश्ते के लिए मानने को तैयार नहीं। वही रुबाब को ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि फ़र्ख अपनी ही कंपनी में घोटाला करते हुए पकड़ा गया है और उसके खिलाफ कंपनी केस कर देती है। अलीना सिकंदर को कहती है कि आपके पास यही आखिरी मौका है रुबाब को हासिल करने का। जहाँ सिकंदर रुबाब अपनाना चाहता है, वही वो सबा का दिल तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सबा खुद आकर सिकंदर को एंगेजमेंट रिंग वापस करती है और इससे रिश्ता ख़त्म कर देती है। दूसरी जानब शौकत रुबाब को मनाने की कोशिश करता है कि अगर फरुख अच्छा इंसान होता तो मैं तुम्हारा रिश्ता उससे करवा देता। क्या रुबाब इस रिश्ते के लिए आसानी से मान जाएगी? क्या रिएक्शन होगा फरुख का जब उसे पता चलेगा कि सोने की चिड़िया अब उसके हाथ से निकल चुकी है? देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। शुक्रिया।